सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार और नमस्कार। मेरा नाम है ज्योतिका नोटल, मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योतिका नोटल ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही 10 बजे से। स्वागत करती हूँ आप लोगों का नेपड़ गांव से, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ते हैं। मौसम की बात करें, आज ना पूरे आसमान पे बादल ही बादल आ रखे है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है आज। और अभी तक ना मैंने नाश्ता बनाया है, तो सबसे पहले हम सभी लोग नाश्ता करते हैं। टॉमी की बात करें तो टॉमी भी यहाँ पे आराम से सो रखा है। आज तो ऐसे धूप बिल्कुल भी नहीं आ रखी है, लेकिन टॉमी को ना यहाँ पे बहुत ज्यादा नींद पड़ रखी है। यहाँ अंदर की बात करें तो सभी लोगों ने आज चूल्हा घेर रखा है, क्योंकि बाहर ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो सभी लोग यहाँ पे आराम से आग सेक रहे हैं। यहाँ पर अभी सासू जी सभी लोगों को नाश्ता दे रहे हैं। और नाश्ते में बना रखा हमने बड़ी की सब्जी और रोटी। तो चलिए दोस्तों, हम सभी लोगों ने नाश्ता भी कर दिया है। हमारे घर में अभी ढोल वाला भी आ गया है। ये मान्यता है जिस दिन ना हिंदी में महीने का लास्ट दिन होता है, उस दिन ना पूरे गांव में ढोल वाला ढोल बजाने जाता है और सभी लोग ना ढोल वालों को चावल और दक्षिणा देते हैं। यहाँ पर ननन जी ने ढोल वालों के लिए चावल इस कंटर में, बारिश के कारण इतना ज्यादा पानी इस कंटर में इकट्ठा हो रखा है और इस पानी में ना राई भी जम रही है। चलिए दोस्तों, अभी दोपहर की 1 बज गई है, हम सभी लोगों ने लंच भी कर दिया है। और यहाँ पे अभी ननन जी लंच कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ननन जी ने स्कूल की पढ़ाई की है, तो सबसे लास्ट में अभी ननन जी लंच कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अभी शाम की 3 बज गई है, मेरी और सासू जी की तैयारी हो गई है खेत में जाने की। सासू जी ने और मैंने ना खेत में झाड़ी काटनी है। और हमारे साथ ना टॉमी भी जा रहा है खेत में, और सासू जी ने ना अपने साथ में नुवार भी ला दी है गोरी के लिए। पहले हम लोग गौशाला में आ रखे हैं गोरी को पानी पिलाने। चलिए जी, यहाँ पर हमने गोरी को पानी भी पिला दिया है और न्यूआर भी दे दिया है खाने के लिए। और अब मैं और सासू जी ना खेत में जाएंगे ऊपर झाड़ी काटने। और हम अपने साथ में ना दरांती को भी ले जा रहे हैं। हमारे इधर ने इस दरांती को थमाला कहते हैं, और इस दरांती से हम कांटे वाली झाड़ी काटेंगे खेत से। तो चलिए दोस्तों, हम खेत में भी पहुंच गए हैं, और ये वही वाला खेत है जिस खेत में ना मैं रोज गोबर लाती हूँ, और इस खेत में हमने झाड़ी काटनी है। झाड़ी को काटने भी लग गए हैं, और अब मैं भी सासू जी के साथ झाड़ी काटती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमने इन दोनों खेतों से इतनी झाड़ी भी काट दी है।
और थोड़ी बहुत झाड़ी रह रखी इस खेत में। यहाँ पे ना अभी सास जी काट रहे हैं इस झाड़ी को, क्योंकि ये झाड़ी ने अभी बहुत लंबी लंबी भी हो रखी है। और इस झाड़ी पे ना इतने लंबे लंबे कांटे हैं, और जब ना ये हाथों में चुभते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक वहां नीचे खेत में गांव के सभी लड़के क्रिकेट खेलने आ रखे हैं। और टॉमी भी यहाँ पे आराम से सो गया। टॉमी ले, टॉमी 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 टॉमी। और आज ने बिल्कुल भी धूप नहीं आई है, थोड़ी बहुत यहाँ पे अभी बादलों के बीच में सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं। पूरे आसमान पे आज बादल ही बादल आ रखे हैं। पहाड़ों में ना खेतों का काम कभी पूरा नहीं होता है। और पहाड़ों की जितनी भी महिलाएं हैं, वो ना बहुत ज्यादा मेहनती रहती है, वो लगी रहती है अपने कामों में। अभी ना किसी लोगों ने उधर साइड भी लगा दिए कांटों पे आग, आग इस समय तो इधर साइड लगा रखी थी, अभी ना वहां की आग बुझ गई है, और किसी लोगों ने सामने वहां आग लगा दी है कांटों पे। अभी ना थोड़ी बहुत सूर्य देव ने दर्शन भी दे दिए है, हल्की हल्की धूप भी लग गई है, और अभी हमारी थोड़ी बहुत झाड़ी बच रखी है। तो चलिए दोस्तों, हमने इन खेतों से झाड़ियां भी काट दी है, और अब हम लोग घर चलते हैं। और यहाँ पे अभी हजवीन जी भी आ गए हमारे साथ। और इतनी ज्यादा झाड़ियां हो रखी थी हमारी खेत में, और जब न ये झाड़ियां सूख जाएगी उसके बाद हम इन झाड़ियों पे आग लगाएंगे। अभी हम छोटी वाली सासू जी के घर पर आ रखे हैं, और टॉमी ने यहाँ रोज आता है, क्योंकि सास लोगों के भी छोटे छोटे कुत्ते हैं। और यहाँ पर अभी देवर जी भी आ गए हैं गौशाला से, देवर जी ने अभी गौशाला जा रखे थे। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ से जाने की तैयारी हो गई है, छोटी वाली सासू जी ने अभी गौशाला जा रखी है। यहाँ पर अभी सासू जी फिर से वापस आ गए हैं, सासू जी कह रहे हैं कि हम गौरी को भी अंदर बांध देते हैं, क्योंकि यहाँ की धूप ना चली गई है। बच्चे का नाम ना जिम्मी रखा हुआ है सासू लोगों ने, और एक छोटा सा कुत्ता अंदर भी सो रखा है। यहाँ पर हमारे जो पंडित जी है, उन्होंने हमारे लिए कल के लिए धागे भी दे दिए है, क्योंकि कल ना बसंत पंचमी है, और इन धागों को ना कुदाल और जैसे थाली हो गई उन सभी पे बांधा जाता है। कल बताऊंगी मैं आप लोगों को किन किन पे इन धागों को बांधते हैं, और आगे से ना इन धागों पे रुई लगा रखी है,
और जो पीली पीली आप लोगों को दिखाई दे रही है ये हल्दी लगा रखी है। और हमारे पहाड़ों में इन चीजों की बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ पर अभी सासू जी की तैयारी हो गई है खेत में जाने की। सासू जी ने ना वहां से राय लानी है निकाल के। और आज की रात के डिनर में बनाएंगे हम हरी कापली और घर के लाल चावल। अभी हमारे घर पर अर्चना और आद्य भी आ गई है टॉमी को देखने। और छोटे बच्चे ना छोटे छोटे कुत्तों के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और आद्य भी यहाँ पे टॉमी के साथ बहुत ज्यादा मस्ती कर रही है। आद्य कैसे लग रहा तेरे को डॉगी? कैसे लग रहा डॉगी? डॉगी कैसे लग रहा? कैसे लग रहा तेरे को डॉगी? और आधे ने टॉमी को परेशान कर रही है तो टॉमी ना सीधा अंदर भाग गया है। यहाँ पर सासू जी ने खेत से हरी सब्जी भी ला दी है और साथ में ना सासू जी ने हरी सब्जी के साथ बडियाला भी ला रखा है। हमारे दानी इसको बडियाला कहते हैं और इसको ना गाय भैंस भी खाती है। और अब मैं इस सब्जी को धुल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सब्जी भी धुल ली है। यहाँ पर मैंने राई के पत्ते अच्छी तरह से धुल दिए है और सासू जी ना अभी इन राई को काट रही है। और ये सब्जी ना पूरी मिक्स सब्जी है, इसमें ना पालक और बटियाला और और जिसको ना पटियाला कह रही हूँ वो ना घास होता है उसको ना गाय और भैंस भी खाते है। और बचपन में हम सभी दोस्त पटियालों को लाते थे अपनी गाय भैंस के लिए। हमारे पहाड़ों में ना उसका साग भी होता है यानी कि कापली भी होती है। और थोड़ी देर में यहाँ से सूर्य भी अस्त होने वाला है और अभी ना सूर्यदेव पहाड़ी पे चली गई है। और हमारे गांव से ना सूर्यदेव काफी गजब का दिखाई देता है। यहाँ पर सासू जी ने अभी सब्जी भी अच्छी तरह से बारीक काट दी है। यहाँ पर अभी ननन जी आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हम कापली का साग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी शाम की 5 बज गई है, थोड़ी देर में ना अंधेरा भी होने वाला है। और अभी ना चारों तरफ धुंधी धुंध छा गई है और आसमान ना लाल और पीले दिखाई दे रहे हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे। जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड।